ओके सो वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग गाइस। सो आज हमारी यहाँ सुबह हो चुकी है और आज हर्षिल का नियरली एक महीने के ऊपर 10 दिन हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अभी हम लोगों ने नाम भी फाइनल कर दिया था, वो आप सबको भी बताया। लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने बताया था कि उसका नाम हर्षिल रखा है और आज अभी उसको मंदिर में, मतलब हमारे घर में अभी तक मंदिर में लेकर नहीं गए थे, क्योंकि ऐसे पता है इंडिया में बिलीव होता है कि लाइक एक महीने के ऊपर 10 दिन के तक तुम मंदिर में नहीं जा सकते। मतलब मैं तो जा सकता हूँ, हर्षिल और रक्षा ये दोनों मंदिर में नहीं जा सकते थे, ऐसा बिलीव होता है इंडिया में। तो आज नियरली वो फिनिश हो चुका है, तो आज पहली बार मम्मा हर्षिल को लेकर मंदिर में यहाँ पे घर पे दर्शन करने के लिए जाएगी। फिर हम लोग बाहर मंदिर होता है तो वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो लेट्स गो, जल्दी सभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग हमारे घर पे मंदिर में एक बार हर्षिल को दर्शन करवा लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आज रक्षा मंदिर में आ चुकी है। आज नियरली हम लोग गुजराती में बोलते हैं सवा महीना उसका फिनिश हो चुका है, तो रक्षा मंदिर में दर्शन करने के लिए आ चुकी है, क्योंकि अभी तक वो ऊपर बेड पे ही थी। हमारे गुजराती लोगों को पता ही होगा कि जब सवा महीना होता है ना, जगबान 14 days, उसके बाद ही जब मंदिर में आके दर्शन करते हैं। हाँ, है पतले दे। सो आज तो मंदिर में सुने किसो तो हमारे दोनों मम्मी ने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर दिया। अभी वो रक्षा सब हमारे जो भी भगवान होते हैं वो सबको बाहर निकाल कर पानी से नहलाएगी और नहला के वापिस अंदर रख के फिर दिया और पूजा करेगी। यहाँ पे अभी रक्षा ने पहली बार किचन में भी आज पूजा कर रही है। अभी 40 days हो गए तो हाँ, तो अभी वो आज से किचन में। पहले गैस को भी मैंने टच नहीं किया था, आज ही किया। हाँ, उसने आज ही किया, तो उसको पहले गैस की पूजा करने के बाद ही कुछ बनाएगी। आज यहाँ पे रक्षा एंट्रेंस में भी पूजा कर रही है। उसने मंदिर में दिया जला दिया, अगरबत्ती कर दी। इसका वेदर भी देखिए, आज अभी ठंड स्टार्ट हो चुकी है, ठंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, पर आज धूप निकला है लाइक एक दो वीक के बाद, क्योंकि 2 वीक से थोड़ा सा बारिश गिर रहा था, तो आज थोड़ा सा अच्छा है। सो यहाँ पे हमारा हर्षिल उसके नाना बापू के साथ बातें करते हुए। तो वैसे यहाँ पे आज रक्षा पहली बार शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकली हुई है, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ बाहर निकलते हैं फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर पे वो रहने की यूज टू नहीं है ना, जब जॉब करते हैं तो घर पे रहना थोड़ा हार्ड हो जाता है। हाँ, और आज वेदर अच्छा था, और वैसे भी आज वो 40 days कंप्लीट हुआ तो आज निकल सकती है बाहर। तो हर्षिल को लेकर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए उसको जाना है, तो उसका माइंड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसलिए हम लोग फिर आज अभी शॉपिंग करने के लिए उसके लिए निकल रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे MNS में आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें 50% ऑफ में मिल रही है कपड़े, जो अच्छे अच्छे वाले हैं बेबी के लिए। तो लेट्स गो, हम लोग पहले फाइंड कर रहे हैं कि अच्छे वाले कपड़े ऑफ़र में मिल जाए तो यहाँ पे अच्छे, क्योंकि MNS में बहुत ज़्यादा प्राइस होती है जो ऑफ़र में होते हैं ना, तो उससे हाफ प्राइस में मिल जाता है। लाइक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल में देखूँ, फ्रॉक 16 pounds से 9.5 pounds में यहाँ पे मिल जाता है, तो ये अच्छे अच्छे ऐसे कुछ ऑफ़र में निकलते हैं और तो अच्छे हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग कर ली हुई है, रक्षा की थोड़ी सी शॉपिंग की और थोड़ी सी मेरी ज़्यादा करने आए थे, मेरी ही करने आए थे, लेकिन मेरी तो सिर्फ कुछ ही हुई, क्योंकि हम लोग चीज़ देख रहे थे जो ऑफर में होती है ना, और MNS में बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, तो ऑफर में रक्षा का कुछ कपड़े देख सकते हो आप, रक्षा का कुछ कपड़े और मेरे कुछ कपड़े, तो हम लोग ऑफर में मेरे ज़्यादा है क्योंकि ऑफर में थे, तो देखे आज मेरी रक्षा के शॉपिंग के नाम पर मैंने मेरी शॉपिंग कर ली। तो बस अभी देखो थोड़ा सा वेदर यहाँ पे, देखो बारिश का था वेदर, अभी बारिश गिर के चली गई है। सो अभी लेट्स गो, अभी यहाँ से लाइक रक्षा को अभी 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है, तो उससे ज़्यादा हम लोग बाहर शॉपिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अभी सीधा घर पे।
आज यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, सुबह पूरा सनी सनलाइट है, पूरा सुबह से पूरा क्लाउड भी ज़्यादा है नहीं, बारिश जैसे कुछ दिख नहीं रहा सुबह सुबह, पर काफ़ी अच्छा है। और हमें अभी जल्दी जल्दी जाना है, हम लोग जल्दी उठे और अक्सर को हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ली हुई है, लाइक उसको जो सी सेक्शन हुआ था उसमें थोड़ा सा उसको पेन वगैरह एवरी वीक हो रहा है, लाइक इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने विजिट किया था, डॉक्टर को पूछा था तो वो लोग ने थोड़ा इन्फेक्शन की मेडिसिन दी थी, तो मेडिसिन जस्ट फिनिश हुई है और फिर भी स्टिल उसको थोड़ा सा पेन है। तो अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पे अभी बस जीपी में जाएंगे, सुबह 8 बजे कॉल करना होता है और हमें भी अपॉइंटमेंट मिली है 11 बजे की। और अभी यहाँ पे 10:40 हो चुके हैं और आज यहाँ पे सुबह सुबह देखो ये जो हमारे कपड़े सुखाने का स्टैंड था वो यहाँ से निकल चुका है, शायद ज़्यादा हवा की वजह से या उस पर ज़्यादा वेट कपड़े लगाने की वजह से ये यहाँ से निकल चुका है। अभी उसको ठीक से यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। सो हम लोग, मैं जल्दी जाके आता हूँ और हमारे पापा गए हैं ब्रह्मा कुमारी में, तो वो जैसे ही आते फिर हम लोग ये करते। अब पता नहीं किस तरह से कैसे निकल गया क्योंकि बहुत हैवी होता है और उस पर कपड़े अगर हम लोग हैवी वेट कर रखते तो शायद एक साइड की वजह से या हवा की वजह से निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो तुलसी माँ हम लोगों ने आज से 6-7 महीने पहले यहाँ पर लगाए हुए थे, तो आज समर की वजह से इतने बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। अभी ये अच्छी तरह से रहेगा, विंटर में अगर इसको बाहर रखते हैं तो फिर ये पूरे जल जाएंगे, तो उससे बेटर है हम लोग यहीं पे रखेंगे। ये हमारा गुलाब का छोड़ हम लोगों ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे किया हुआ था, पहले मेरे पापा ने वहाँ ज़मीन में किया था शायद, पता नहीं यहीं पर किया था और आ ही नहीं रहा था, एक छोटी सी लकड़ी जैसा था, हम लोग उसका जो रूट होता है वो पापा ने यहाँ पर डाला हुआ था। तो अभी फाइनली समर की वजह से ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो चुका है और एक छोटा सा रोज भी आ चुका है और एक दूसरा भी आने वाला है। हम जीपी में जा रहे हैं, मैं और जुगल और बेबी घर पे है, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगता है तो मेरी मम्मी अलाउड नहीं करती कि बेबी को बार बार ऐसे बाहर निकाले क्योंकि वो फिर परेशान हो जाता है। अभी सिर्फ वो 40 डेज का हुआ है तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी बार हम बाहर नहीं निकालते हैं, बस थोड़े से ऐसे घर के बाहर चक्कर लगाते हैं 10 सेट, उसके अलावा नहीं निकालते हैं। और आज मेरी जीपी में अपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था और उसकी वजह से मुझे बाद में इन्फेक्शन हो गया था, तो हमने जीपी में इसलिए अपॉइंटमेंट ली है। दवाई मुझे दी थी एंटीबायोटिक लेकिन वो ख़त्म हो गई है, तो हमने सोचा कि एक बार और दिखा देते हैं क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो हम डिले नहीं कर सकते। ऐसे इंडिया में हमें काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देते हैं तो हमारा ऑपरेशन लाइक क्विकली रिकवर हो जाता है। और उसके बाद आज जुगल और ये सब लोग गणपति के दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी है और यहाँ पे सब लोग 3 या 5 दिन के गणपति रखते हुए तो काफी यहाँ पे भी इंडिया की तरह सब लोग इतने मतलब फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, सबके घर में रखते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। जस्ट अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, शॉपिंग वगैरह किया, बहुत जगह पे छोटी बहुत शॉपिंग करनी थी, लाइक वेजिटेबल्स की शॉपिंग करनी थी, घर के लिए कुछ वगैरह सामान लेना था, ये लेना था वो, एवरी वीक यहाँ पे थोड़ी सी हमारे लिए शॉपिंग होता ही है। तो आज मैं रक्षा को लेकर गया था, उसका जीपी में अपॉइंटमेंट भी फिनिश हो गया और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा वायरल इन्फेक्शन जैसा है, उसकी वजह से है, स्टिचेस वगैरह थोड़ा सा भी ठीक है और रेस्ट करने की ज़रूरत है उसको, अभी वो रेस्ट करेगी तो ही जाएगा ठीक है क्योंकि अभी 1 महीना ही जस्ट हुआ है। ओके, हम लोग को घर थोड़ा सा क्लीन करना है, हमारे मम्मी जी जो रक्षा की मम्मी है उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर दिया हुआ है, तो अभी सिर्फ मुझे ओवरिम लगाना है। सो डस्ट वगैरह था वो उन्होंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, बेड वगैरह अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया हुआ है, तो अभी सिर्फ मुझे ओवर यहाँ पे लगाना है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे बेबी होता है तो इसकी वजह से एवरी वीक हम लोग पहले महीने में 1 बार ओवर करते थे, तो अभी वीकली थोड़ा सा करना पड़ता है। हमारा यहाँ पे जो स्टैंड निकल गया था मैंने सुबह आपको बताया था, तो उसका जो रोड होता है वो ही टूट गया हुआ है उसके कनेक्शन के साथ, तो हम लोगों ने इसको निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं पर ये बड़ा बड़ा रोड जो अंदर फिट है वो निकल नहीं रहा और वो आधा बीच में से टूट गया है, तो अभी हम लोग इसको इसके स्टैंड के साथ फिट करना है, तो हम सोच रहे कि वो दूसरा वाला रोड है वही अंदर डालकर फिर स्टैंड को कर सकते हैं, तो लेट्स गो होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंड को रोड को हमने स्टैंड के जो रोड था वो हमने दूसरा लगा के दूसरा मतलब दूसरा साइड पे उसकी जगह करके कर दिया, हाइट उसकी थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन अभी होप्स होकर चले क्योंकि और ये रोज़ काफ़ी अच्छा हुआ है, मेरे पापा ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से केयर किया था, वो एक रोज़ था वो बिगड़ चुका है, तो पीछे वाला येलो कलर का पता नहीं कौन सा था और ये एक अच्छा फ्लावर है, ये वाला फ्लावर अच्छे हुए जो हमारे क्या बिगड़ फूल आया आजकल ना फूल बदे थी निकले बढ़ नवी फूट चालू थी समर सुधी रहे सर मतलब यहाँ पे अभी अंदर मुकी देवानो
हाँ हम लोग यहाँ पे अंदर रख सकते हैं, अंदर हम लोग रख देते तो फिर अच्छा रहता है, और विंटर में वैसे भी सब कुछ बन हो जाएगा, यहाँ पे जल जाएगा पूरा, और फिर नेक्स्ट विंटर आएगा तब तक फिर वापस हो जाएगा। बस हमें सुबह से स्टैंड करना है क्योंकि पता है ना अभी समर की वजह, समर में मतलब अभी कभी धूप निकलता है तो हम लोग कपड़े सुखाने के लिए अंदर जगह इतना नहीं होता, तो हम लोगों ने कर दिया, हमारे पास एक दो चीज़ वगैरह था, प्रॉपर्टी थी, तो हम लोगों ने इससे थोड़ा सा यूज़ करके फिर किया। तो लेट्स गो, भी चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखो हम आज रक्षा के लिए एक ये हुडी जो विंटर के लिए होता है, सो भी एडवांस जैकेट बोल सकते हैं, दोनों के लिए लाए, रक्षा के लिए और मैं मेरी मम्मी के लिए, दोनों के लिए सेम कलर का, उसको भी ये पसंद था तो यही वाला सेम लेकर आए। तो ये अभी रक्षा को आ जाएगा, पहले नहीं आता लेकिन अभी धीरे धीरे वो उसको आ जाएगा, बॉडी में फिट हो जाएगा। दोनों के लिए सेम कलर लेकर आए हुए, तो दोनों को अगर पसंद आया तो पहने के मेरे मम्मी को एक बार ट्राई करवा लेते हैं, जो ट्राई करी जो सारू लगता है ना तो पेरिस जज क्योंकि अभी ये दोनों की बॉडी सेम हो गई है, क्योंकि ये रक्षा ने जो पहना हुआ है कपड़ा है वो मेरे मम्मी का है, तो रक्षा ने ये पहना हुआ है डबल एक्सल साइज। यहाँ पे मेरे मम्मी ने ये कपड़ा पहना हुआ है, ये जैकेट पहना हुआ है, इंडिया के लिए इतना काफी है। मैं मारा वो है यहाँ पे मिरर में देख के चेक कर लो, तो मेरे मम्मी को काफी अच्छा लग रहा है। इसमें दो तीन कलर थे तो ये कलर हमें अच्छा लगा और रक्षा को भी अच्छा लगा था, दोनों को अच्छा लगा। तो मैं अभी जस्ट बाहर से आया हुआ क्योंकि अभी मैंने मेरे मम्मी पापा और हमारे जो मम्मी जी है वो तीनों को मैंने धर्म के घर पे रख कर आया हुआ, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है तो वो लोग को हम लोग ने लास्ट ईयर यहाँ पे हर एक जगह पे जो गणेश जी के दर्शन करिए किए हुए थे, अभी वो लोग को गणेश जी के दर्शन यहाँ पे करने थे तो मैं उनके घर पे ड्रॉप करके आया, उसके आजू बाजू में बहुत सारे गणेश जी की मूर्ति सब लोगों ने रखा हुआ है तो उनको दर्शन करना था इसलिए फिर उनके घर पे मैं रख के आया हूँ, तो अभी वो लोग वहाँ पे सबके घर पे जाकर दर्शन कर लेंगे, मुझे भी जाना था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे घर पे रक्षा और हर्षिव दोनों के लिए तो थोड़ी सी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे घर पे गया और वो लोग को मैं जस्ट घर पे आया ड्रॉप करके, तो वो लोग अभी घूम कर अभी यहाँ पर देखो बजे है 5, अभी यहाँ पर बजे है 5 और वो लोग अभी घूम के ऐसे फिर सब जगह पे नज़दीक नज़दीक जहाँ पे भी होके एक दो रिलेटिव के घर पे भी जाना है, वहाँ पे भी गणपति जी रखे हैं, उन्होंने हमें इनविटेशन मिला है। ओके, तो मैं अभी हर्षिव के लिए दूध बना रहा हूँ जो उसको रेगुलर पीता है, मैंने आपको ऑलरेडी मेरे वीडियो में बताया हुआ था कि ये कैंडल मिल्क ऑर्गेनिक का वो पीता है, तो मैं जल्दी से वो वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग ही ज़्यादा करता है पर उसको हम लोग जब कभी टॉप अप के लिए स्पेशली हम लोग ये दूध प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने हर्षिव के लिए ये दूध है वो रेडी कर दिया हुआ है, और अभी एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हम लोग थोड़े से बाहर वॉक करने के लिए जाए, ऐसा हमारा प्लान था, लेकिन हम लोग वॉक करने के लिए प्लानिंग करें उससे पहले ही देखो वेदर दिख रहा है, बारिश स्टार्ट हो गया और ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी, हम लोग फिर नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम कैसा था कि हर्षिव को लेकर आज वेदर सुबह अच्छा था तो सोचा था कि शाम को इवनिंग में थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाएंगे तो उसको भी थोड़ा सा बाहर की हवा मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे हर्षिव ने दूध पी लिया हुआ है, मैं पिलाती नहीं हूँ ना जब तब तक मेरे बेटे का पेट भरता है, हाँ अच्छी तरह से वो संतोष नहीं मिलता कि हाँ कि फाइनली अभी मैंने पी लिया हुआ है, तो अभी वो पी लिया और अभी वो बफ ले रहा है, और स्पेशली मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग हर्षिव का फेस क्यों वीडियो में नहीं दिखाते, तो उसका रीज़न भी है कि हम लोगों हर्षिव का फेस हम लोग सब लोगों को पता है, इवन सब इंडिया में यहाँ पे सब लोगों हाँ। को पता है कि हम कुछ जब वो छोटा है तो एक दो मंथ तक हम नहीं बताते हैं, कोई भी लाइक नहीं बताता है अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए, ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं लेकिन अपने बच्चे की वो केयर वो सेफ्टी के लिए हम थोड़ा डरते हैं इसलिए हम नहीं बताते हैं। और इवन ऐसा यहाँ पर ना बोलते हैं ना कि एक सवा महीना जो होता है हमारे गुजराती में तो बच्चे को बाहर भी नहीं लेके जा सकते, इवन किसी को दिखा भी नहीं सकते, इवन इंडिया में तो आज भी ऐसा बिलीव है कि घर वालों को भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ उसकी माँ होती है उसके साथ ही बेटा रहता है, ऐसा बिलीव्स रखते हैं,
इंडिया में आज भी, तो हमारे जो मम्मी जी हैं, हमारे मम्मी पापा है, वो लोग यहाँ पे है, तो वो लोग का ये ऐसा मानना है कि ऐसा करो तो अच्छा है, कि तुम किसी को ज़्यादातर ना दिखाओ तो अच्छा है, अदरवाइज हमें तो ऐसा है कि हम लोग जल्दी समझ ही जाते हैं, हमें ऐसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम लोग ऐसा होता है कि चलो हम लोग अभी आपको ये फेस रिवील करें और हर्षिल को दिखाए ये सब, बट अभी दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे, अभी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी वैसे भी 1.5 महीना होने को आया है और अभी जल्दी हम लोग उसको बाहर भी हमें लेकर जाना है, पर अभी घूमने के लिए, लेकिन हमारे जो मम्मी जी और सब लोग होते वो लोग मना करते हैं कि अभी जल्दी से बाहर लेकर मजा, इवन रक्षा को भी अलाउड नहीं करते बाहर जाने के लिए, तो रक्षा भी अभी घर पे ही रहती है, लेकिन अभी उसको फाइनली थोड़ा बहुत कब जाती है, वगैरह की अपॉइंटमेंट्स होती है तो मैं जाती हूँ, वरना तो ये घर के बाहर ही मैं थोड़ा ऐसे चक्कर लगा लेती हूँ, थोड़ी सी वॉक 10-15 मिनट कर लेती हूँ बस, कि स्पेशली डॉक्टर ने यहाँ पे बोला कि सी सेक्शन होने के बाद यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, बट तुम वॉक करो और पानी पियो, वही सबसे रिकवरी वाला स्टेज है सी सेक्शन में, इसीलिए अभी कुछ टाइम है, अभी वो रक्षा बाहर निकल सकती है थोड़ा बहुत, और अभी हम लोग बेबी को भी बाहर लेकर थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे, लेकिन अब विंटर आ जाएगा तो ज़्यादातर बाहर भी नहीं ले जा सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम ले जाने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से नहीं लेकर गए, तो हम लोग घर पे फिर बैठे थे, तो अभी हर्षिल के साथ हम थोड़ा खेल रहे थे, वो अभी भी खेल रहा है, अभी जो गर्ल सुला रहा है हमारी बेबी को, नहीं सुला नहीं रहा है, उसके साथ खेल रहा है, बिकॉज वो इस स्ट्रोलर में सो नहीं रहा है या तो खेल भी नहीं रहा है, उसको ऐसे लेकर घूमो फिर भी उसके पापा को बहुत परेशान करता है, लेकिन अभी उसको हैबिट हो गई कि हाथ में रहने की। हाँ, हमारे मम्मी पापा मम्मी जो तीनों है ना, उसने इसको हैबिट डाल दी है कि हाथ में ही रखो, वो लेकर घूमते रहते हैं, अभी पनिश किसको मिलती है हम लोगों को, तभी मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ पे मैं पुलाव लगाया है, पुलाव चढ़ाया है, क्योंकि अभी मम्मी पापा और मेरी मम्मी गणेश देखने स्थापना देखने के लिए गई है, तो मुझे जुगल के लिए खाना बनाना है मेरे लिए और मेरे पापा जो बाहर नहीं खाते हैं, तो मैं उसके लिए पुलाव, वेज पुलाव बना रही हूँ, है ना। हाँ, मतलब मेरे लिए वेज पुलाव बना, रक्षा ने तो थोड़ा सा खाना खा लिया, अभी तो 9 बज गए हैं, देखो अभी बन जाएगा, हम खा लेंगे, देखो ये कैसे ए कर रहा है। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि हाथ में रख के अभी ये इस पोजीशन से बोर हो गया, अभी पोजीशन चेंज करो।